नमस्कार, पापा मम्मी किचन की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस के दिन से सभी लोग अपने घर में दिए जलाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए मैंने उचित समझा कि आज मैं आपको घर में ही आटे से दिए बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में आपको 6 तरह की डिजाइन बनाना बताऊंगी। जो डिजाइन आपको ईजी लगे, सिंपल लगे, वो आप अपने घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। और डिजाइन के साथ में मैं आपको आटा भी अच्छे से गूंदना बताऊंगी, क्योंकि यदि आप आटा बराबर गूंद के तैयार नहीं करेंगे तो जो भी आप दिए बनाएंगे उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो स्मूथ नहीं दिखेंगे। तो आटा भी सही तरीके से सही रेशियो में गूंदना जरूरी है। परफेक्ट आटा गूंद के तैयार करेंगे तो आपके दिए घर में परफेक्ट ही बन के तैयार होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दिए के लिए क्ले की तरह स्मूथ आटा गूंद करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी को इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के लिए मैंने 1/2 कप नमक लिया है। ये मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कप को सेट कर सकते हैं। भी नमक को और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक अच्छी तरह से पानी में घुल जाना चाहिए। इस तरह से आप दिए बनाकर तैयार करेंगे तो दिए अच्छे स्मूथ बन के तैयार होंगे। जैसे मिट्टी के दिए बनाते हैं उसी तरह से बन के तैयार होंगे। अभी इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। आप अपने घर में जो भी तेल खाते हैं वो तेल इसके अंदर डाल सकते हैं। तेल डालने से चमक बहुत ही अच्छी आती है। अभी इसमें हम आटा मिक्स कर लेंगे। आटा हम इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप जितना आटा डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हैं, या आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। ये सभी सामान अपने घर में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप दिए घर में आराम से बना कर तैयार कर सकते हैं। ये आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें और आटा डालेंगे और इसका डो बना कर तैयार करेंगे। अभी हाथ से आटा गूंद लेंगे, आराम से गूंद जाएगा। हाथ से आटा गूंद के तैयार करेंगे तो मालूम भी रहेगा अपने को कितना टाइट आटा गूंदना है। जैसे पूड़ी पराठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह से आटा गूंद के तैयार करना है। आटा टाइट होना चाहिए। इस तरह से आटा हमने गूंद करके तैयार कर लिया। कुल मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके हमने 2 कप आटे का इस्तेमाल किया है। अभी 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। अभी आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में आटा अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। इस आटे को आधा आधा कर लेते हैं। आधे आटे को हम साइड में रख देंगे, आधे आटे को पहले हम लेंगे। अभी कलरफुल दिए बनाने के लिए इसमें थोड़ा कलर डाल देते हैं। तो आपके पास कोई भी कलर हो, वाटर कलर वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, या आपके पास वाटर कलर नहीं हो तो उसकी जगह पर आप कुमकुम भी डाल सकते हैं। मैं इसमें बच्चों के कलर यूज़ कर रही हूँ, ये ट्यूब कलर है। आप चाहे तो आपके घर में फूड कलर हो तो वो भी डाल सकते हैं। फूड कलर का भी कलर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से मैंने दोनों आटों के अंदर कलर डाल करके तैयार कर लिया है। इसमें मैंने रेड कलर का बनाया है आधे आटे को, आधे आटे को मैंने येलो कलर का बनाया है। ये मैंने येलो फूड कलर जो अपने मिठाइयों में यूज़ करते हैं वही वाला यूज़ किया है इसमें। इसकी जगह पर आप हल्दी भी डाल सकते हैं। यदि आपको एक ही कलर का बनाना हो तो जिस समय मैंने पानी के अंदर नमक डाल के घोल किया था उसी के अंदर आप कलर डाल दें तो आपको आटा गूंदने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह का आटा गूंद करके बाद में कलर डालते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मैं सबसे पहले आपको बहुत ही आसानी से बनने वाला दिया बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा लोई इसमें से तोड़ लेंगे। आटा देके आटा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ। जैसे क्ले होती है वैसे ही आटा बन के तैयार हुआ। लगता ही नहीं कि आटा से बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसमें नमक और हमने तेल डाला है इसीलिए आटा सूख नहीं रहा है, नहीं तो आटा सूख जाते हैं। आप हाथ में इस तरह सबसे पहले ले लें, उसके अंदर से इस तरह से होल कर लें सबसे पहले, और बहुत आसानी से आप गोल गोल बनाकर तैयार कर सकते। इस तरह से आप गोल गोल घुमाते रहें अंगूठे से आराम से। ये सबसे ईजी तरीका है। यदि आपका डो परफेक्ट बन के तैयार होगा तो आप आसानी से दिए बनाकर तैयार कर लेंगे और फटाफट बन जाएंगे दिए। मैंने गोल बना लिया, उसके बाद में इसके इधर आप हल्का सा ऐसे दबा दें, हल्का सा इस तरह से दबा दें, देखिए, जिससे आप बाती इधर से निकाल सकें। आप ये बना करके आप रख दें, धीरे धीरे ये सूख जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। अब मैं आपको यम दिया बनाना बताती हूँ कि यम दिया क्या धनतेरस से जलाना पड़ता है। अपने घर की दक्षिण दिशा में इस तरह का दिया जलाया जाता है। घर के बाहर साइड में दक्षिण दिशा में दिया जलाते हैं यम दिया। यम दिया आप किस तरह से बनाकर तैयार करें, ये आपको इस तरह से बीच में दबा करके होल कर लें ऐसे, इस तरह से इसको भी गोल बना लें सबसे पहले। उसके बाद में इसके 4 कॉर्नर कर दें, चारों कॉर्नर में इस तरह से कर लेंगे इसके। यम दिए के अंदर 4 बाती जलाई जाती है। इसको स्क्वायर कर लें, आटा सॉफ्ट होता है, आराम से स्क्वायर हो जाता है और बीच में आराम से दिया जला पाएंगे। ये 3 दिन अपने घर के बाहर जरूर जलाना चाहिए, वो भी दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। अब मैं तीसरी तरह का दिया आपको डिजाइनर दिया बनाना बताती हूँ। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा पर दिया बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। देखिए इस तरह से आप एक लोई ले लें और फिर उसके ऊपर एक कंघा ले लें। आप इस तरह से हाथ में लेकर के आप हल्का सा इसको बीच में दबा दें और वापस इसके अपोजिट साइड में इस तरह से कर लें।
ठीक है इधर भी कर लेना, वो इधर भी कर लेना। इस तरह से डिजाइन बन जाती है। ऐसे डिजाइन बनने के बाद में आप हाथ में कैंची ले लें आप, और जो ये दो पार्ट है इसमें आप इस तरह कैंची चलाएं, इधर से भी आप कैंची डाल करके इस तरह से काट लें, आराम से कट जाता है। आटा बहुत ही सॉफ्ट है, आराम से कट जाएगा। देखिए आराम से कट गया, फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, इस तरह से निकल गया। फिर आप देखिए दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ से आप चम्मच, इस तरह को एक चम्मच ले लें, चम्मच से आप हल्का सा दबाएं इधर से। देखिए दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पर आप दबाएं, दोनों पंखुड़ियाँ हैं इसके बीच में गैप दबाएं इधर से। ये काम बच्चे भी आराम से कर लेते हैं, बच्चों को क्राफ्ट करना अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए सब जगह आराम से आप कर लें। देखिए अभी ये वाला पार्ट जो हमने लिया है यहाँ से, इसको हल्का सा अंगुली से ऐसे करके दबा के आप ऊपर कर लें, ऐसे फ्लावर का जैसे हो जाएगा। हल्का सा इधर से दबाएं और ये ऊपर कर लें, ये फ्लावर की तरह हो जाएगा। नहीं हल्का सा अंगुली से ऐसे दबाएं यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर कर लें बस। यदि आप सादा आटा गूंद करके इस जगह पर करते तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते, अच्छा बन के तैयार नहीं होता। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिखने में कितना अच्छा फ्लावर का जैसे लग रहा है। अभी दिए की बाती जलाने के लिए यहाँ पर बाती लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए बीच में इस तरह से आप होल कर लें, इसके अंदर आप बाती जला सकते हैं। होल चाहिए छोटा बड़ा जितना चाहिए आपको कर सकते हैं। आटा बहुत सॉफ्ट है इसलिए इजीली होल हो जाता है। बच्चे तो फटाफट कर लेंगे इस तरह का काम ही। अभी इसको भी इधर इसके पास में रख देते हैं। अभी दूसरी तरह का दिया बनाने के लिए थोड़ा मैंने येलो वाला लिया है, थोड़ा रेड वाला लिया है, और रफली इनको मिक्स किया है। बहुत ज़्यादा गूंद के मिक्स नहीं करना, जिससे अलग अलग सेट दिखेंगे इसके अंदर तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो इसको इस तरह से थोड़ा रोल कर लेते हैं, हल्का सा आप रोल कर लें इसे, फिर इसको हल्का हल्का बेल लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर साइड में भी बेल लेते हैं। कलर कितना अच्छा लग रहा है, कलर का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप बना करके तैयार कर लें, लगभग एक जैसा हो जाना चाहिए इधर साइड। अभी यहाँ से उठा करके इसको इसके ऊपर रख देते हैं, हल्का सा आराम से उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं और इसे हल्का सा बेल लेते हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना, खाली हल्का सा इसको बेलना है। अभी जो बंद साइड है इधर से अपन लोग काटेंगे, थोड़ा थोड़ा काटना है इसको इस तरह से, जैसे कंघा वगैरह होता है और उसके नौके होते हैं ना, जो ज़्यादा डीप तक नहीं होती है, उस तरह से आप काट के तैयार। इस तरह से हमने काट लिया है, फिर अब इसको गोल गोल कर लेंगे इधर से, आगे से बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह चिपका दें, फिर धीरे धीरे इनकी पंखुड़ियों को खोल दें आप, ऐसे धीरे धीरे पंखुड़ियाँ इसकी खुल जाएगी, ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसको ना इधर खोल दें आप। फिर इसके बीच में इस तरह से आप थोड़ा डाल करके होल कर लें, जहाँ से आपका दीपक जला सके। इस तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे तो एक कलर का भी बना सकते हैं, दोनों कलर को मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये इस तरह से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ में। अब तक मैंने आपको चार तरह की डिज़ाइन बनाना बताया है, दो तो एकदम सिंपल है और दो थोड़े से ट्रिकी है। एक मैं आपको मीडियम ट्रिकी बताती हूँ, जो अभी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। उसके लिए मैंने दोनों आटा को थोड़ा मिक्स कर लिया इसमें, थोड़ा थोड़ा देके दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करके इस तरह से बीच में थोड़ा सा होल कर लें, दबा करके आराम से इसको गोल गोल कर लें, जैसे कटोरी करते हैं उस तरह से कर लें, जिसमें कि बाती आराम से आप चला सकें। साइड में थोड़ा मोटा रखेंगे। अब मैं सिंपल डिज़ाइन बताती हूँ आपको। देखो इसके साइड में डिज़ाइन बनानी है आपको, आप एक कैंची ले लें और इसके बेस में थोड़ा सा आप काट कट करना शुरू कर दीजिए, हल्का हल्का थोड़ा गैप छोड़ के, फिर आप काट अपना आप डिज़ाइन बन जाती। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन रही है अपना आप। अभी एक डिज़ाइन बन गई इसके किनारे पर, फिर इसके ऊपर थोड़ा कटिंग करना चालू कर। कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा रियली बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए, और बहुत सिंपल है ये डिज़ाइन। दिवाली में बच्चों को क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को बताएंगे तो बच्चे आराम से कर लेंगे, बच्चे और आप साथ में ही टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कितना इजीली बनता है देखिए आप, इसमें कोई तरह का झंझट नहीं है, और कितना फ्लावर जैसे डिज़ाइन बन गया। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन गया, बीच में आराम से आप इसे बाती जला सकते हैं। कितनी सुंदर डिज़ाइन लग रही, देखिए बहुत सिंपल डिज़ाइन है पर बहुत ही खूबसूरत। अभी आखिरी डिज़ाइन मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें दोनों कलर को मैंने मिक्स कर लिया है और बीच में इस तरह से थोड़ा सा होल कर देंगे, जिससे कि बाती इसके अंदर लगा सकें। अभी इसमें चारों तरफ कंघा लेंगे, कंघे से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ करके आप डिज़ाइन बना लें, देख पा रहे इस तरह से, बहुत ईजी डिज़ाइन है। देखिए अभी जो इधर से हमने किया ये इसको इस हल्का सा काट दें,
पंखुड़िया के जैसे लगेगा, देखिए इस पंखुड़िया होती है वैसे लगेगा दीपक, पंखुड़िया वाला दीपक बन जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए ये तो मैंने आपको 6 तरह की डिज़ाइन बताई है, और भी कई तरह की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप अपने घर में कैसी डिज़ाइन बनाएंगे उसकी फ़ोटो मुझे फेसबुक पर आप ज़रूर शेयर करें। अभी इसके अंदर जूते लगाने के लिए मैंने कुछ जूते लिए जिसको घी के अंदर डाल करके रख दिया है। आप चाहे तो तेल में भी डाल सकते हैं जूतों को, और इस तरह से आप निकाल करके एक एक जूते को इसके अंदर रखें। ये जूते कैसे बनाने हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसका कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा देंगे, जिससे आप जूता बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। अभी दूसरी वाले जूते हैं, इसके अंदर हमारे को इस तरह की जूते लगानी पड़ेगी। ऐसे जूते लगाने के लिए घी के अंदर थोड़ा सा इनको डुबो दो, पहले इसके मुँह है थोड़ा सा घी के अंदर डुबा देना चाहिए, और फिर आप इसके अंदर रख दें जूत को। ये यम दिया जो जलाते हैं उसमें 4 जूते जलती है। अभी इसके अंदर घी डाल देंगे, इसके अंदर हमारे को 1 जोत जलानी पड़ती है, और इसके अंदर भी थोड़ा सा घी डाल देंगे। भगवान के पास रखते हैं तो कभी भी आप जोत में घी डाल करके रखें। दिवाली साल में एक बार आती है तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के दीपक जला करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी दिए बना करके तैयार कर लिए हैं। इन दियों को हमने सुखाया नहीं है क्योंकि हमें आपको दिखाना था। आप चाहे तो 2 घंटा के लिए इसे सुखा करके फिर यूज कर सकते हैं। एक बार फिर आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।